अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ झटपट से बन जाने वाला चिकन, वो भी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आज प्रेशर में। तो चले फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, उनको मैंने मोटा मोटा काट के तो रख लिया। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, थोड़ा सा लहसुन और सब्ज़ मिर्च 10 से 12 ये मैंने सब्ज़ मिर्च ले लिए। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने चीज़ों को मोटा मोटा काट लिया, तो ये मैं डाल रही हूँ प्रेशर में डाल के इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी 1 कप पानी। और साथ ही ये मैंने लिया है नमक 1 चम्मच, गरम मसाला थोड़ा सा, और लाल मिर्च लिया, धनिया लिया, वो भी साथ ही डाल दूंगी, हल्दी। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। 3 से 4 मिनट मैंने वेट लगाया, तो ये देखिए पानी बिल्कुल हमारा खुश्क हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक के लिए इसको भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ये चिकन, और 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये मैंने 4 मिनट के लिए वेट लगाया था, तो देखिए अब ये सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बस 1 से 2 मिनट इसको हम पका लेंगे, मसलन के भून लेंगे इसको अच्छे से, तो ये हमारा बिल्कुल सालन रेडी हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको झटपट चिकन बना के तो दिखाया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, ये मैं बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और ऊपर कवर कर रही हूँ। मज़ेदार सा ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं खुश्क कसूरी मेथी और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और साथ में अदरक कटी हुई, ये डाल के तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। और 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है, और 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। तो अब इसको मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, और इसकी लुक भी देखें। तो ये इतनी आसानी से झटपट से ये बन गया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी गार्निश कर देती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर।